स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। वक्त हो चला है अब तक की बड़ी खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 2 घंटे बहस हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी और रिमांड पर समय लगेगा तो हम अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई पर विचार कर सकते हैं। अगली सुनवाई 7 मई को होगी। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। वह 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं। कर्नाटक में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी के पेट से चाइनीज फ़ोन और सिम कार्ड मिला। पुलिस चेकिंग में पकड़े जाने के डर से उसने फ़ोन निगल लिया था। 20 दिन से मोबाइल पेट में था। जब दर्द ज़्यादा बढ़ गया तो अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके फ़ोन बाहर निकाला। सर्जरी के बाद कैदी को वापस शिवमोगा जेल भेज दिया गया है। चीन ने अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का नाम चांगा 6 मिशन है और इसमें पाकिस्तान का IQ सैटेलाइट लगा हुआ है। इस सैटेलाइट में 2 कैमरे हैं जो चांद की सतह की तस्वीरें लेगी। इस मिशन का लक्ष्य चांद के दूर वाले हिस्से जहां अंधेरा होता है पर जाकर सैंपल इकट्ठे करके उन्हें धरती पर भेजना है। चीन का यह मिशन 53 दिन तक चांद पर रहेगा, यानी 25 जून को यह धरती पर लौट आएगा। राजस्थान के दौसा में प्रेग्नेंट महिला से रेप और उसकी हत्या के आरोपी के घर को पूरे गांव ने जलाकर फूंक दिया। गुस्साए लोगों ने आरोपी के रिश्तेदारों के घर भी जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना में आगजनी करने वाले 3 लोग भी झुलस गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रेप की घटना 27 अप्रैल की है। महिला का शव 29 अप्रैल को मिला था। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने नामांकन दाखिल किया। सोनिया और प्रियंका गांधी उनके साथ रहीं। उधर कांग्रेस ने अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को उतारा है। किशोरी लाल सोनिया गांधी के भरोसेमंद माने जाते हैं। भाजपा ने रायबरेली से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है, जबकि अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने Eडी CBI को नोटिस दिया है, साथ ही उन्हें बीमार पत्नी सीमा से हफ्ते में 1 बार मिलने की परमिशन भी दी है। CBI ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने न्यायिक हिरासत के दौरान उन्हें 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया तब से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियों को मार्केट रेगुलेटर SEBI ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। इन कंपनियों पर ट्रांजैक्शन और लिस्टिंग रेगुलेशन के नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप हैं। 24 जनवरी 2023 को हिंडलवर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए थे। केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसके अलावा SEBI को भी जाँच करने के लिए कहा था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में BSF जवानों से भरी तेज रफ्तार बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में 17 जवान घायल हुए हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर है। जवान चुनाव ड्यूटी के लिए निकले थे। हादसे के समय बस में 32 जवान सवार थे। ये लोग छोड़ी पहाड़ से मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रहे थे। इस दौरान बस का ब्रेक फेल हो गया और वो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। PM मोदी बोले शहजादे को वायनाड से हार का डर। कहा अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। मैं इन्हें कहूंगा डरो मत भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 3 मई को पश्चिम बंगाल के बर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर में सभा की। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय माँ दुर्गा, जय माँ काली और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। PM मोदी अपनी स्पीच में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, संदेश खाली, राम मंदिर, रामनवमी, वोट जिहाद, कांग्रेस और राहुल गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने पर जमकर हमला बोला। नेहा मर्डर और लव जिहाद के सामने कांग्रेस बैकफुट पर। बीजेपी बोली मुस्लिम आरोपी को बचा रहे। नेहा के पिता ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र। 28 अप्रैल 2024 को PM मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी, उत्तर कन्नाड़ा, दावड़गेरे और बेल्लारी में बैक टू बैक 4 चुनावी सभाएं की। बेल्लारी में मोदी बोले कांग्रेस के लिए नेहा जैसी बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। यहाँ एक मानसिकता को आगे बढ़ाया जा रहा है जो कर्नाटक और देश के लिए खतरनाक है। अपराध और आतंक से समझौता नहीं किया जा सकता। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। सब तक के लिए धन्यवाद।